गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके एडमिशन से रिलेटेड एंड काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद, या फिर आप बोल सकते हैं कि सीट अलॉटमेंट के बाद, अगर आपने फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो अब आगे आपको क्या करना होगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड कल फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट भी आप लोगों का आ गया है। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनको आगे क्या करना होगा, ये आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनको आगे क्या करना है। ठीक है, तो एक भी पॉइंट को आप लोग मिस मत कीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद अगर आपने फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो अब आगे आपको क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपनी पूरी फीस अपने लॉगिन के जरिए सबमिट करनी होगी। जिन लोगों ने फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया है उन लोगों को ध्यान रखना है कि आपको अपनी पूरी फीस यानी कंप्लीट फीस अपने लॉगिन के जरिए सबमिट करनी होगी। और जो हेल्प सेंटर यानी डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने अपने काउंसलिंग के समय सेलेक्ट की थी, वहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात, ये सब काम आपको समय सीमा के अंतर्गत करना है। जो टाइम एंड डेट आपको बताई गई है उसी टाइम एंड डेट के अंदर आपको सभी काम कर लेने हैं जो यहां पे लिखा हुआ है। ये फ्रीज वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों ने फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, पहली बात आपको ध्यान रखनी कि आपको अपनी कंप्लीट फीस अपने लॉगिन के जरिए सबमिट करनी होगी। और दूसरी बात देखिए, जब आप लोगों ने काउंसलिंग करवाई होगी तो वहां पे आप लोगों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूछा गया होगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पे करवाना चाहते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपनी ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही किया होगा, सभी स्टूडेंट्स ने यही किया होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो हेल्प सेंटर यानी जो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट की है वहीं पर जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। जो डेट एंड टाइम आपको बताया गया है उसी डेट एंड टाइम के अंदर आपको यह सब काम कर लेने, ध्यान रखिएगा। अगर लेट करेंगे तो एडमिशन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो डेट एंड टाइम आपको ध्यान रखना है, जो डेट एंड टाइम लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ये सब काम कर लेना है जिन लोगों ने फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया। ठीक है, ये डाउट मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। अब बात आती है कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आगे आपको क्या करना है, ये दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। ये फ्लोट ऑप्शन के लिए है, जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनके लिए है। तो कॉलेज अलॉटमेंट के बाद अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आगे आपको क्या करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है आपको अपने लॉग इन के जरिए 3,000 रुपए यानी 3,000 रुपीज सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी, तभी आप अगले राउंड में काउंसलिंग करवा पाएंगे। यानी अगर आप आगे सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, देखिए आपने अगर फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, आपको अपने लॉगिन के जरिए 3,000 रुपए सिक्योरिटी फीस के रूप में जमा करने होंगे, नहीं तो फिर आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो जो डेट एंड टाइम आपको बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी समय सीमा के अंतर्गत आपको ये काम कर लेना है, 3,000 रुपए सिक्योरिटी फीस आपको जमा कर देनी है। और ये 3,000 रुपए आपसे क्यों जमा करवाए जा रहे हैं ये मैंने आपको पहले ही वीडियो के थ्रू बता दिया है। मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है जहां पर
मैंने आपको बताया है कि फ्रीज एंड फ्लोट का मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको फ्रीज एंड फ्लोट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आपको अपना ये काम कर लेना है, 3,000 रुपए आपको जमा कर देने हैं सिक्योरिटी फीस के रूप में, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज ही नहीं मिला है उन्हें सिक्योरिटी फीस नहीं सबमिट करनी है। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग कराई और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, कोई कॉलेज मिला ही नहीं, तो आपको वहां पे फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जब आप साइन इन करेंगे, जब आपने साइन इन किया होगा अपना सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देखने के लिए और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो आपको यह भी देखने को मिला होगा कि आपको वहां पे फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन नहीं दिखा होगा, ठीक है, नहीं दिखा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा जिन जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉलेज नहीं मिला है वो मुझे कमेंट करके ये बताएंगे क्या उनको फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन देखने को मिला या नहीं मिला। मैं बता दूं आपको नहीं मिला होगा, ठीक है, इसका मतलब ये है आपको कॉलेज तो मिला नहीं है तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी फीस भी नहीं जमा करनी है। देखिए जिन लोगों को कॉलेज मिला हुआ है, जिन लोगों को कॉलेज एंड ब्रांच मिल गई है और उन लोगों ने यहां पे फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उन लोगों को यहां पे सिक्योरिटी फीस देनी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों को कॉलेज ही नहीं मिला है उन लोगों को वहां पे फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूं यहां पे मैंने लिखा है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज ही नहीं मिला है उन्हें सिक्योरिटी फीस नहीं सबमिट करनी है और आप नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवा पाएंगे। और देखिए काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस अगर आपने यहाँ पे देखे एक बार जमा कर दी है तो दोबारा आपको नहीं जमा करनी है। जैसे किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई और उसने रजिस्ट्रेशन फीस दे दी है तो उसको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये भी डाउट मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर दूं, नहीं तो फिर आप कमेंट करके यही पूछेंगे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रीज एंड फ्लोट के बारे में फिर से आपको सभी बातें बता दी हैं। देखिए जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला है प्लस ब्रांच मिली है लेकिन वो कॉलेज एंड ब्रांच उनको पसंद नहीं है तो जाहिर सी बात है वो लोग फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फ्लोट का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने लॉगिन के जरिए 3,000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। अगर नहीं करेंगे ऐसा तो फिर अगले राउंड में आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। और देखिए ये जो 3,000 रुपए आप दे रहे हैं ना, बाद में ये आपकी फीस में ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फीस में ये ऐड हो जाएगा तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बता दी कि जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज ही नहीं मिला है तो उनको वहां पे देखिए जब आप लोग साइन इन करेंगे आपको वहां पे फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको सिक्योरिटी फीस नहीं सबमिट करनी है, आप नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल हैं, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं नेक्स्ट राउंड में एंड आपको नेक्स्ट राउंड में यहां पे रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में एक बार फीस पे कर दी है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो सेकेंड राउंड से काउंसलिंग करवाना स्टार्ट कर रहा है, सेकेंड राउंड में वो पहली बार काउंसलिंग करवा रहा है तो उसको तो रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। रखिएगा एक ही बार रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।